वेलकम टू द करंट अफेयर शो। ये है अप्रैल मंथ के थर्ड वीक का पार्ट टू। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे सेक्शन रहेंगे स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल, कोविड-19 एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पहला सेक्शन है हमारा कोविड-19। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हु लॉन्च इंटरेक्टिव कोरोना वायरस सर्विसेज ऑन फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक मैसेंजर के ऊपर इंटरेक्टिव कोरोना वायरस सर्विसेज की शुरुआत किसने की है? तो ये की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक मैसेंजर पे कॉल एंड सर्विसेज की शुरुआत की है। इससे पहले ये व्हाट्सएप के ऊपर भी इसकी शुरुआत कर चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसकी हेड कौन है? मिस्टर टेड्रोस अधानोम जी। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। और इस बार का इसका थीम क्या रहा? स्पोर्ट्स, नर्सिस एंड मिडवाइफ। और इस बार इन्होंने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 भी रिलीज की। तो इस सब का आप ध्यान रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट विल बी द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19? कोविड-19 की पूल टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये है यूपी। तो उत्तर प्रदेश ने पूल टेस्टिंग की शुरुआत की है कोविड-19 को लेके। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे सैंपल एक साथ कलेक्ट किया जाएंगे और उनका एक साथ ही टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई भी एक अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबको पॉजिटिव माना जाएगा, और नेगेटिव आता है तो सबको नेगेटिव माना जाएगा। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है टेस्टिंग की वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। विच नेशनल पार्क बिल्ट आइसोलेशन वार्ड फॉर एनिमल्स? एनिमल्स के, जानवरों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? तो ये वही है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये उत्तराखंड में है। और इसके अलावा जो तीन नेशनल पार्क है इसके बारे में देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो ये है आसाम में, और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है, सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। हु डेवेल्प एंटी माइक्रोबियल स्प्रे बेस्ड कोटिंग फॉर पीपीज? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के लिए एंटी माइक्रोबियल स्प्रे किसने किसने डेवलप की है? तो ये डेवलप की है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो आईआईटी गुवाहाटी ने इसके अलावा ईयर गार्ड भी डेवलप किया है। तो इससे क्या होगा कि जैसे वायरस के कांटेक्ट में आएगा ये 20 से 30 मिनट के अंदर उस वायरस को खत्म कर देगा। और इसी तरह की पहल JNCSR ने भी की थी। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इन्होंने भी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग को डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक लॉन्च सेफ्टी ग्रिड कैंपेन? सेफ्टी ग्रिड कैंपेन किसने लॉन्च की? ये की HDFC ने। तो इसका ध्यान रखिएगा, HDFC ने की सेफ्टी ग्रिड कैंपेन। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल यूज रोबोट्स टू सर्व फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स? तो पेशेंट्स को फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए देश का कौन सा राज्य है जो रोबोट्स की मदद लेगा? ये है झारखंड। तो झारखंड सरकार रोबोट्स की मदद लेगी पेशेंट्स को फूड और मेडिसिन सप्लाई करने के लिए। क्योंकि जब कोई भी डॉक्टर या नर्स उसके कॉन्टैक्ट में आती है तो संक्रमण का डर बना रहता है, उससे बचने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। झारखंड में किसकी सरकार है अभी? हेमंत सोरेन जी की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते हैं। और जहाँ यहाँ के गवर्नर है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच कंपनसेशन विल बी रिवार्डेड टू पोस्टल इम्प्लॉयज इन केस केस ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव? अगर कोई पोस्टल इम्प्लॉय कोविड-19 पॉजिटिव होता है तो उसको कितना रिवॉर्ड दिया जाएगा? वो दिया फाइनेंशियल जो हेल्प है वो दी जाएगी 10 लाख तक की। तो ये पोस्टल जो सर्विसेज हैं उसको एमरजेंसी सर्विसेज के अंदर लाया गया है। तो लॉकडाउन के चलते भी ये ओपन है। और इवन पोस्टल सर्विसेज के अंदर अभी जो फूड और मेडिसिन है उसको भी डिलीवर किया जा रहा है। तो इसके चलते हुए इन कोविड-19 पॉजिटिव होने का उनका रिस्क है जो वो ज़्यादा बन रहा है। तो सरकार ने इसी को देखते हुए अगर कोई पोस्टल एम्प्लॉय कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको 10 लाख की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो MP गवर्नमेंट है उसने भी ऐसी ही एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी हेल्थ केयर इनिशिएटिव वर्कर्स हैं जो डायरेक्ट कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या उनके साथ एंगेज हैं तो उनको 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हु डेवेल्प कायोस्क कोवसैक? कोवसैक नाम के कायोस्क को किसने डेवेल्प किया है? ये डेवेल्प किया है DRDL ने। तो ये कायोस्क क्या होता है? जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर ऑटोमेटिक टिकट मशीन होती है ना,
तो उसको कायोस्क बोलते हैं। तो ऐसे ही कॉपसैक नाम का कायोस्क किसने डेवलप किया है? डीआरडीएल में। और डीआरडीएल क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद। तो इसने ये डेवलप किया है। अब होगा क्या, इसमें जो भी कोविड के सैंपल होंगे उसको कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। और जो डीआरडीएल ने इसकी इसमें किसकी हेल्प ली है, इसमें इसने हेल्प ली है इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैदराबाद की हेल्प ली है। और इसके अलावा आप ध्यान रखिए, मोबाइल टेस्टिंग कायोस्क भी बनाया जा रहा है। ये कौन बना रहा है? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और इसके अलावा IIT रोपड़ भी वार्ड बोर्ड तैयार कर रही है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज आयुर्वेदा अलॉन्ग विद एलोपैथी टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट? COVID-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए देश का कौन सा पहला राज्य बना है जिसने एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा का भी इस्तेमाल किया है? तो ये कौन सा राज्य है? यह है गोवा। गोवा सरकार ने एलोपैथी के साथ है आयुर्वेदा का भी इस्तेमाल किया है। गोवा में किसकी सरकार है? प्रमोद सावंत जी की सरकार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक जी यहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। NIT कर्नाटका प्रोफेसर डेवेल्प डिस इन्फेक्ट चैम्बर नेम्ड एज। तो NIT कर्नाटका के एक प्रोफेसर ने एक डिस इन्फेक्शन चैम्बर लॉन्च किया है, बनाया है। वो उसका नाम क्या रखा है उन्होंने? नाम रखा है जीरो कॉव। तो जीरो कॉव इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप न्यू डिवाइसेस फॉर ऑपरेशन एट पब्लिक प्लेसेस ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो महामारी के चलते हुए और पब्लिक प्लेसेस में उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ न्यू डिवाइसेस बनाई गई हैं DRDO की तरफ से। तो वो न्यू डिवाइसेस कौन सी हैं? तो वो न्यू डिवाइसेस हैं ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, यूवी सैनिटेशन बॉक्स, हैंड हेल्ड यूवी डिवाइसेस। ये तीनों बनाई गई हैं DRDO की तरफ से। तो इस जो पहली है ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, इसको तो पब्लिक प्लेसेस में इस्तेमाल किया जाएगा सैनिटाइज करने के लिए। और जो दूसरी और तीसरी है यूवी सैनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस, इसको पर्सनल इक्विपमेंट्स के को सैनिटाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। DRDO ने अपनी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो ग्वालियर से शिफ्ट करके दिल्ली में कर दी है। ग्वालियर MP में थी पहले और अब INMAS दिल्ली में कर दी गई है। INMAS क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हु डेवेल्प्ड COVID5.in वेबसाइट? COVID5.in वेबसाइट किसने डेवेल्प की? तो ये डेवेल्प की IIM कोझिकोड़े ने। IIM कोझिकोड़े ने इसको डेवेल्प किया है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा COVID-19 का जो सेक्शन है वो खत्म होता है। हमारा अगला सेक्शन है जो वो है स्पोर्ट्स का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मास्कोट ऑफ 2022 एशियन पैरा गेम्स? एशियन पैरा गेम्स 2022 का मास्कोट जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है वो क्या है? तो ये है फीफी। फीफी इसका जो मास्कोट रहेगा, ये डिवाइन बर्ड बोलते हैं इसको। तो ये फोर्थ एशियन गेम पैरा गेम्स है जो हांगझोउ चाइना में होंगी। तो इसका अभी मास्कोट लॉन्च किया गया है। मास्कोट इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा फीफी इसका मास्कोट है। और सुमाइती और मैरिटोवा किसका है? टोक्यो ओलंपिक्स का है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सुमाइती जो है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का मास्कोट है और मैरिटोवा समर टोक्यो ओलंपिक्स का मास्कोट है। ऐसे ही बिंग ड्वेन ड्वेन विंटर बीजिंग ओलंपिक्स का मास्कोट है। तो आप इनका भी ध्यान रखिएगा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गेम्स की बात आई है तो एक बार सारी गेम्स देख लेते हैं, कब कौन सी गेम होनी है। एशियन यूथ गेम्स का तो अभी आपको बात की है हमने कि 2022 में हांगझोउ चाइना में होगी। तो वर्ल्ड गेम्स कब होंगी? ये भी 2022 में बर्मिंगम US में होगी। और ये 2025 में होंगी चेंगडू चाइना में। वैसे तो ये 4 साल बाद होती हैं, लेकिन COVID-19 के चलते जो टोक्यो ओलंपिक पोस्टपोन हुआ है तो उसके चलते वर्ल्ड गेम भी 1 साल पोस्टपोन हो गए हैं। तो ओलंपिक गेम्स है जो समर वाली, वो होगी 2021 में टोक्यो में और 2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजल्स में। और ऐसे ही विंटर ओलंपिक्स हैं जो 2022 में बीजिंग में और 2026 में इटली में होगी। और यूथ ओलंपिक्स हैं जो वो 2022 में सेनेगल में होगी। इन सब का ध्यान रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल बिड फॉर द ICC इवेंट्स अलॉन्ग विद विच कंट्री? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC इवेंट्स के लिए कौन सी कंट्री के साथ बिड करेगा? तो ये कौन सी कंट्री है? यह है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
तो आईसीसी वर्ल्ड कप पर 1987 और 1996 को ऑलरेडी होस्ट कर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो अब ये नेक्स्ट इवेंट 2023 और 2027 के लिए देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग 21 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर कोचेज इन कोलेबोरेशन विद, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 21 दिनों की ऑनलाइन वर्कशॉप शुरुआत की है कोचिज के लिए, उनकी ट्रेन करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये किसके साथ कोलेबरेट किया है इसमें? तो इन्होंने कोलेबरेशन किया है इसमें NSF नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ कोलेबरेट करके ये ऑनलाइन वर्कशॉप की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की प्रेजिडेंट की पोस्ट से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है तामस अजान जी। तामस अजान जी ने इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु इज रिटन बाय, शटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किसने लिखी है? तो ये लिखी है कृष्णा स्वामी वी ने। तो कृष्णा स्वामी वी ने ये लिखी है और पीवी सिंधु जी की लाइफ स्टोरी के ऊपर है कि कैसे उन्होंने अपने ट्रेनिंग ली और कैसे की कैसी स्ट्रगल भरी उनकी लाइफ रही, तो उसके ऊपर ये लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ शरथ कमल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020? तो शरथ कमल बैडमिंटन प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, माफ कीजिएगा, टेबल टेनिस प्लेयर। तो वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग शरथ कमल का अब रैंक क्या है? तो इनका रैंक है अब 31st, और गणेशकरण सथियन का रैंक है 32nd, और वुमेन में मोनिका बत्रा का रैंक है 63rd। तो आप इन तीन रैंक्स को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट साउथ अफ्रीका? क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं ग्रेम स्मिथ। तो ये पहले साउथ अफ्रीका प्लेयर रह चुकी हैं, तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर इनको अभी नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स? चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता जीत लिया है? ये है चार्लेस लेक्रेक। चार्लेस लेक्रेक ने वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चाइनीज को जीत लिया है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच नॉवल वोन द 13th इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन? अरेबिक फिक्शन के लिए 13th इंटरनेशनल प्राइज जीतने वाला नॉवल कौन सा है? तो ये है द स्पार्टन कोट। द स्पार्टन कोट ने 13th इंटरनेशनल प्राइज जीता है अरेबिक फिक्शन के लिए। और स्पार्टन कोट किसने लिखा है? अब्दुल आयसुकी जी ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, जो ऑप्शन है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। द ईरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? शशि थरूर जी ने, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश कैटेगरी मिला था। और हाफ द नाइट इज गोन किसने लिखा है? अमिताभ बागची जी ने, और इसके लिए इनको DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर मिला था। द ओवर स्टोरी किसने लिखी है? रिचार्ड पावर्स ने लिखी है, और ये इनको इसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2019 मिला था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड विच वॉज पोस्टपोन्ड नाउ? वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो जिसका 44th सेशन अभी पोस्टपोन हो गया है, उसको कहाँ पे शेड्यूल किया गया था? ये है चाइना के अंदर, इसको चाइना के अंदर शेड्यूल किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। टीवीएस मोटर एक्वायर्ड विच रेनाउड मोटरसाइकिल कंपनी? टीवीएस मोटर ने किस मोटरसाइकिल कंपनी को अक्वायर कर लिया है? तो ये अक्वायर किया है नॉर्टन को। नॉर्टन अपनी स्पोर्टिंग बाइक के लिए फेमस है, तो इसके नॉर्टन को इन्होंने अक्वायर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। मैटरहॉर्न माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? मैटरहॉर्न माउंटेन कौन सी कंट्री, कौन से देश में सिचुएटेड है? तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड ने मैटरहॉर्न के ऊपर भारत का एक तिरंगा लहराया है और भारत के साथ संवेदना जाहिर की है COVID-19 के चलते, जो सिचुएशन है उसके चलते। आगे बढ़ते हैं। हु चेयर द ऑनलाइन एशियन स्पेशल समिट ऑन COVID-19? COVID-19 के ऊपर एशियन की जो स्पेशल समिट हुई है उसको चेयर किसने किया है? तो इसको चेयर किया है वियतनाम ने। वियतनाम ने इसको चेयर किया है। और एशियन की ये बात आई है तो एशियन के बारे में देख लेते हैं। एशियन में जो कंट्रीज हैं वो है 10 टोटल, इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। उसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 8 अगस्त 1967 को इसको एस्टेब्लिश किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में।
और इसकी जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं वो उसको एक बार ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, ब्रुनी है और थाईलैंड। और जो ये मीटिंग हुई है ये सिर्फ एशियन की नहीं थी, एशियन प्लस 3 की थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। एशियन प्लस 3 का क्या मतलब है? एशियन कंट्रीज तो होंगी, जो 3 और हैं वो है चाइना, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु अक्वायर्ड ILNFC's 100% स्टेक इन IWPSL? तो ILFSC क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका 100% स्टेक जो है विंड पावर सर्विसेज लिमिटेड में किसने अक्वायर कर लिया है? तो ये अक्वायर किया है ऑरिक्स ऑपरेशन। ऑरिक्स ऑपरेशन जापान बेस्ड कंपनी है, इसने 6.05 करोड़ रुपए में ये स्टेक है जो वो अक्वायर कर ली है इसके 100%। आगे बढ़ते हैं। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन 5th एनुअल मीट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीट हुई है उसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है निर्मला सीतारमन जी ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक की बात आई, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात आई है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये ब्रिक्स बैंक के नाम से भी फेमस है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसके हेड कौन है? केवी कमार जी, ये भारतीय है। और ब्रिक्स की बात आई है तो ब्रिक्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसकी 2019 की जो मीटिंग है वो ब्राजील में हुई थी और अब 2020 की मीटिंग रशिया में होगी, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो इंटरनेशनल का सेक्शन है ये भी खत्म होता है। हमारा अगला सेक्शन है जो वो है अपॉइंटमेंट्स का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद? रामनाथ कोविंद जी को प्रेजिडेंट, जो हमारे प्रेजिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनको सेक्रेटरी, उनके जो सेक्रेटरी हैं किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है मिस्टर कपिल देव त्रिपाठी जी को। ये न्यू अपॉइंटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कपिल देव त्रिपाठी जी को रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक? यूनियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह अपॉइंट किया गया है विरूपक्षा मिश्रा जी को, विरूपक्षा मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया है। तो रजनीश कुमार जी नाम सुना हुआ है आपने, SBI के चेयरमैन है। सुनील मेहता और प्रशांत कुमार, ये येस बैंक की जो अभी नई कमेटी बनी है, जो बोर्ड बना है, उसके चेयरमैन है। नॉन एग्जीक्यूटिव है सुनील मेहता जी और एग्जीक्यूटिव है प्रशांत कुमार जी। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्पोर्ट्स, पोकर स्टार्स इंडिया? पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ केयर रेटिंग्स? केयर रेटिंग के MD CEO किसको नियुक्त किया गया है? ये है अजय महाजन जी। अजय महाजन जी को MD CEO नियुक्त किया गया है केयर रेटिंग्स का। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज MD ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड? पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD किसको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया विनीत अरोड़ा को, विनीत अरोड़ा को इनके MD नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड इन द व्हाइट हाउस एडवाइजरी काउंसिल टू कंबोर्ड द डिसीज? जो COVID-19 है उससे लड़ने के लिए व्हाइट हाउस की एडवाइजरी काउंसिल में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह आरओ खन्ना, ये भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी व्हाइट हाउस की जो टास्क फोर्स थी COVID-19 को लेके, उसमें सीमा वर्मा को अपॉइंट किया गया था, ये भी भारतीय थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम? क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह है रोहित शर्मा। पीछे एक ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को अपॉइंट किया गया था ना, वो बताइए कौन सा? वो थे पोकर स्टार इंडिया। पोकर स्टार इंडिया में का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी जी। और ब्रांड क्रिक किंगडम के कौन है? रोहित शर्मा जी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ US नेशनल साइंस बोर्ड? यूनाइटेड नेशन के नेशनल साइंस बोर्ड का मेंबर किसको नियुक्त किया गया है? तो यह सुदर्शन बाबू जी, इसका ध्यान रखिए, पहले भारतीय हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। आर ओ खन्ना जी को किसमें अपॉइंट किया गया? आर ओ खन्ना जी को किसमें, अभी देखा हमने, एडवाइजरी काउंसिल में अपॉइंट किया गया था व्हाइट हाउस की। और अभी सुदर्शन बाबू जी को किसमें अपॉइंट किया गया? नेशनल साइंस बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा। और कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उसको भी देख लीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं दीपांकर दत्ता जी,
और ये अभी ना बनाए ही नहीं गए, ये रेकमेंड किए गए हैं अभी, अब इसको फाइनलाइज नहीं किया गया, इसीलिए मैंने इसको फिर क्वेश्चन नहीं बनाया है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ ये रिकमेंडेशन है, 99% यही बनेंगे, तो मैं पहले ही आपको करवा रहा हूँ। और उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रफीक जी और मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथ सुमात्र जी, तो ये अभी बने नहीं है, रेकमेंड हुई है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज की वीडियो खत्म होती है, हमारे चारों सेक्शन कवर हो गए हैं।